हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं जितेंद्र प्रजापति, आज मैं आप लोग सामने एक वीडियो लेके आया हूँ थैलस ऑर्गेनाइजेशन इन एलगी का। ठीक है, बीएससी फर्स्ट ईयर का है, आप लोग देखिए। ठीक, सबसे पहले हम बात करते हैं थैलस की। क्या होता है थैलस, थैलस किसे कहते हैं? ठीक, जो होता है जब रूट, स्टेम और लीफ इन तीनों में डिवाइड नहीं होता है कोई पार्ट प्लांट का, तो उसे क्या बोला जाता है? थैलस बोलते हैं। जैसे क्या होता है, डिफिनेशन देख लीजिए। द प्लांट बॉडी विच डज नॉट डिफरेंशिएटेड इंटू रूट, स्टेम एंड लीफ आर कॉल्ड एज थैलस। क्या बोलते हैं? थैलस बोला जाता है। क्या बोलते हैं? थैलस बोला जाता है। ठीक, अब देखो थैलस जो होता है टू टाइप का होता है। थैलस को दो भाग में डिवाइड किया गया है टू टाइप में। कौन कौन सा? अब यहां देख लेते हैं थैलस को। ठीक, कौन कौन सा? सबसे पहले क्या हो जाएगा? यूनिसेल्यूलर। क्या होता है? यूनिसेल्यूलर। और दूसरा क्या हो जाएगा? मल्टीसेल्यूलर। क्या हो जाएगा? मल्टीसेल्यूलर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो जो यूनिसेल्यूलर होता है उसको दो भाग में डिवाइड किया गया है। कितने भाग में? दो भाग में डिवाइड किया गया। कौन सा? मोटाइल, नॉन मोटाइल। पहला क्या हो जाएगा? मोटाइल। एंड दूसरा क्या हो जाएगा? नॉन मोटाइल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नॉन मोटाइल हो जाएगा। ठीक, अभी हम इन सब के बारे में पूरा का पूरा आपको डिस्क्राइब करके बता देंगे। ठीक है, कोई कहां क्या है सब कुछ। ठीक है, अब देखो मल्टीसेलुलर जो होता है ये फाइव टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है? फाइव टाइप का। सबसे पहले क्या होता है? फिलामेंटस। पहला क्या होता है? फिलामेंटस। ठीक, यहां पे बात आती है फिलामेंटस, लेकिन फिलामेंटस टू टाइप का हो जाता है। यहां भी फिलामेंटस को दो भाग में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सा? सिंपल एंड हेटरोट्राइकस फिलामेंट। कौन सा? सिंपल। और दूसरा क्या हो जाएगा? हेटरोट्राइकस फिलामेंट। ठीक, क्या हो जाएगा? सिंपल फिलामेंट और क्या हो जाएगा? हेटरोट्राइकस फिलामेंट। ठीक, अब देखो फिलामेंट हो गया, उसके बाद क्या हो जाएगा? कॉलोनियल। क्या हो जाएगा? कॉलोनियल हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्या हो जाएगा? साइकोनेसियस हो जाएगा। फोर्थ क्या हो जाएगा? फोलियसियस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फोलियसियस। और लास्ट क्या हो जाएगा? प्लांट लाइक हो जाएगा। क्या हो जाएगा लास्ट में? यहां आप लोग को दिखा देते हैं, फिफ्थ क्या हो जाएगा? प्लांट लाइक। ठीक, पांच हो गए थे। पहला फिलामेंटस, दूसरा कॉलोनियल, तीसरा साइकोनेसियस, फोर्थ फोलियसियस और फिफ्थ लास्ट क्या हो जाएगा? प्लांट लाइक हो जाएगा। ठीक है, अब हम इन सब के जितना आपको दिखाया गया है, थैलस टू टाइप का होता है। कौन कौन सा? सबसे पहले यूनिसेलुलर, दूसरा मल्टीसेलुलर हो जाता है। यूनिसेलुलर को दो भाग में डिवाइड किया गया है, मोटाइल और नॉन मोटाइल में। ठीक, अब देखो मल्टीसेलुलर को पांच भाग में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सा? फिलामेंटस, कॉलोनियल, साइफोनेसियस, फोलियसियस, प्लांट लाइक। देखो फिलामेंट को दो भाग में डिवाइड किया गया है, सिंपल फिलामेंट, हेटरोट्राइकस फिलामेंट। लेकिन अगर कॉलोनियल की बात करते हैं, कॉलोनियल भी टू टाइप का होता है, एक सिनोबियम होता है, एक पामेलाइट कॉलोनी होता है। कौन कौन सा होता है? दो। कौन कौन सा? सिनोबियम और दूसरा क्या हो जाएगा? पामेलाइट कॉलोनी। क्या हो जाएगा?
पामेलाइट फालोनी हो जाएगा, ठीक है। पहला क्या हो जाएगा, सिनोबियम, ठीक, क्या हो जाएगा, सिनोबियम, और दूसरा क्या हो जाएगा, पामेलाइट कॉलोनी हो जाएगा, ठीक है। अब हम आपको इन सब के बारे में पूरा का पूरा डिस्क्राइब करके बता रहे हैं, ठीक है। देखते हैं सबसे पहले क्या होता है, यूनिसेलुलर किसे कहते हैं, यहाँ पे बात आती है यूनिसेलुलर की, ठीक। तो देखते हैं यूनिसेलुलर किसे कहते हैं, यूनिसेलुलर का मतलब क्या होता है, जिसमें क्या होता है, सिंगल सेल पाया जाता है, क्या होता है, सिंगल सेल पाया जाता है, उसे क्या बोला जाता है, यूनिसेलुलर बोलते हैं। और यूनिसेलुलर कितने टाइप का है, टू टाइप का, ठीक। यहां करते हैं बात करते हैं सबसे पहले यूनिसेलुलर की, यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर किसे कहते हैं, ठीक है। यूनिसेलुलर किसे कहते हैं, जिसमें क्या होता है, देखो द थैलस विच कंसिस्ट ऑफ सिंगल सेल, क्या होता है, द थैलस विच कंसिस्ट ऑफ सिंगल सेल आर कॉल्ड एज, क्या कहते हैं, यूनिसेलुलर, आर कॉल्ड एज यूनिसेलुलर बोला जाता है, क्या बोलते हैं, यूनिसेलुलर बोला जाता है, ठीक। अब देखो यूनिसेलुलर टू टाइप का हम आपको बताए थे, एक मोटाइल है और एक नॉन मोटाइल बताए थे, ठीक। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मोटाइल की, क्या बात करते हैं, मोटाइल, फर्स्ट मोटाइल, ठीक। मोटाइल का मतलब क्या होता है, जिसमें फ्लैजला प्रेजेंट होता है उसे क्या बोलते हैं, मोटाइल बोला जाता है, क्या होता है, मोटाइल बोलते हैं, और जिसमें फ्लैजला अब्सेंट होता है उसे क्या बोलते हैं, नॉन मोटाइल बोला जाता है। यहां देखो हम आपको फिगर दिखा दें, दे हैव प्रेजेंस ऑफ फ्लैजला, मतलब दे हैव प्रेजेंस ऑफ फ्लैजला, जहां पे फ्लैजला प्रेजेंट होगा उसे क्या बोलते हैं, मोटाइल बोलते हैं। देख लीजिए आप लोग कौन कौन सा हो जाएगा, जैसे क्लेमाइडोमोनास होता है, यूग्लेनिया हो जाता है, ठीक है, फाइकोटस हो जाता है, ठीक। देख तो देखते हैं यहाँ पे कैसे होगा, ठीक है। देखो स्ट्रक्चर हम आपको बता रहे हैं आप लोगों को, देख लीजिए, ये ठीक, ये क्या है, फ्लैजला, क्या है, फ्लैजला, ठीक। जहां पे फ्लैजला, ये क्या है, फ्लैजला, ठीक, जहां पे फ्लैजला प्रेजेंट होता है उसे क्या बोला जाता है, मोटाइल बोलते हैं। एग्जांपल के रूप में आप लोग देख सकते हैं क्लेमाइडोमोनास, क्या हो जाएगा, क्लेमाइडोमोनास, या यूग्लिनिया, यूग्लिनिया ईटीसी हो जाएगा, ठीक। मोटाइल किसे कहते हैं, एक बार फिर से देख लीजिए आप लोग, मोटाइल किसे कहते हैं, दे हैव प्रेजेंस ऑफ फ्लैजला, जिसमें फ्लैजला प्रेजेंट होगा उसे मोटाइल कहते हैं, ठीक। एग्जांपल के रूप में आप देख सकते हैं क्लेमाइडोमोनास और यूग्लिनिया ईटीसी हो जाता है, ठीक। नेक्स्ट हम बात करते हैं नॉन मोटाइल की, सेकेंड, दूसरा नॉन मोटाइल, नॉन मोटाइल, ठीक। नॉन मोटाइल का मतलब क्या होता है, जहां पे फ्लैजला एब्सेंट होता है, मतलब दे हैव एब्सेंट ऑफ द फ्लैजला, क्या होता है, दे हैव एब्सेंस ऑफ द फ्लैजला, ठीक। आर्काइड एज क्या बोलते हैं, नॉन मोटाइल बोला जाता है, क्या बोलते हैं, नॉन मोटाइल बोला जाता है, ठीक। जैसे क्या होता है, एग्जांपल के रूप में क्लोरेला, स्पाइरोलिना, ठीक है, क्या हो जाएगा, क्लोरेला स्पाइरोलिना, स्पाइरोलिना, अभी हम आपको पढ़ाएंगे क्लोरेला और स्पाइरोलिना के बारे में, अलग से जीनस है आपका, ये पढ़ना पड़ेगा जी, ठीक है, ठीक। और पिन्नू लैरिया, ये भी पढ़ना पड़ेगा आपको, पिन्नू लैरिया भी है एक, ठीक है, लिख सकते हैं पिन्नू लैरिया,
ETC, ठीक। जैसे फिगर के आप खुद ड्रा करके दिखा दे रहे हैं, यहाँ पे फिगर में देख लीजिए कैसे बनता है। ये देखिए ठीक, यहाँ पे क्या है, फ्लैजला क्या है, अब्सेंट है, ठीक। यहाँ पे फ्लैजला अब्सेंट है कि नहीं, और यहाँ पे फ्लैजला प्रेजेंट है, ठीक। जहां पे प्रेजेंट होगा मोटाइल, और जहां पे फ्लैजला अब्सेंट होगा क्या कहेंगे, नॉन मोटाइल बोला जाता है, ठीक है। अब किसी को कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है, ठीक है। अब ना हम नेक्स्ट बात करते हैं मल्टी सेलुलर एलगी, किसे बोलते हैं मल्टी सेलुलर एलगी, ठीक है। क्या होता है मल्टी सेलुलर, ठीक। मल्टी सेलुलर का मतलब क्या होता है, जब एक से अधिक सेल पाई जाती है, ठीक है, जब एक से अधिक सेल पाई जाती है तो उसे क्या बोला जाता है, मल्टी सेलुलर थैलस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मल्टी सेलुलर थैलस। देखो यहां लिख सकते हैं मल्टी सेलुलर, मल्टी सेलुलर, ठीक। लिख क्या लिखेंगे, डिफिनेशन, द थैलस, द थैलस विच कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन सेल आर कॉल्ड एज मल्टी सेलुलर बोला जाता है। क्या बोलते हैं, द थैलस विच कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन सेल आर कॉल्ड एज क्या बोलते हैं, मल्टी सेलर बोला जाता है। क्या बोलते हैं, मल्टी सेलर बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए मल्टी सेलर हम आपको बताएं फाइव टाइप का होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं फिलामेंटस थैलस की, किसकी, फिलामेंटस। फर्स्ट हो जाएगा हमारा फिलामेंटस, फिलामेंटस। फिलामेंट का मतलब क्या होता है, फिलामेंट का मतलब क्या होता है, कितने लोग पता है, देखो हम बताते हैं, ठीक है। फिलामेंट का मतलब ये होता है, जब थैलस जो होता है धागे नुमा संरचना में दिखाई देता है, धागे नुमा, ठीक है। धागे नुमा का मतलब क्या होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। कैसा, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। द थैलस डिफिनेशन क्या होगी, द थैलस विच कंसिस्ट ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आर कॉल्ड एज फिलामेंटस बोलते हैं। कैसा होता है, द थैलस विच कंसिस्ट ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आर कॉल्ड एज, क्या बोलते हैं, आर कॉल्ड एज क्या बोलते हैं, फिलामेंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फिलामेंट्स, ठीक। अब हम बात करते हैं फिलामेंट की। फिलामेंट टू टाइप का होता है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फिलामेंट पूछते हैं कभी कभी, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फिलामेंट। तो क्या होता है, टू टाइप का होता है फिलामेंट में। आपको यहाँ थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं, ठीक है। मतलब जब फिलामेंट क्या होगा, जहां पे फ्लैजला प्रेजेंट होगा उसे मोटाइल बोलते हैं, और जहां पे फ्लैजला अब्सेंट होगा उसे नॉन मोटाइल बोला जाता है। यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं, ठीक। तो देखो फिलामेंट टू टाइप का हमने आपको बताया है। पहला कौन कौन सा बताए थे, सिंपल फिलामेंट, क्या बताए थे, सिंपल फिलामेंट, ठीक। सिंपल फिलामेंट का मतलब क्या होता है, जब थैलस क्या होता है, जब थैलस प्रोस्ट्रेट ओआर आर इरेक्ट दोनों सिस्टम में से एक हो, क्या होता है, द थैलस विच कंसिस्ट ऑफ द थैलस विच कंसिस्ट ऑफ प्रोस्ट्रेट ओ आर आर इरेक्ट सिस्टम आर कॉल्ड एज, क्या बोलते हैं, सिंपल फिलामेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आर कॉल्ड एज, क्या बोलते हैं, सिंपल फिलामेंट बोला जाता है। क्या बोलते हैं, सिंपल फिलामेंट, ठीक। एग्जाम्पल के रूप में आप देख सकते हैं, एग्जाम्पल, ठीक, एग्जाम्पल के रूप में क्या हो जाएगा, स्पाइरोगायरा हो सकता है,
योलोथ्रिक्स हो सकता है, ओडोगोनियम हो सकता है, क्या क्या, स्पाइरो गायरा, यूलोथ्रिक्स, ओडोगोनियम, ईटी सी हो जाएगा। ठीक है, क्या क्या हो सकता है, स्पाइरो गायरा, यूलोथ्रिक्स, ओडोगोनियम, ईटी सी। लेकिन आपको ये सब पढ़ना पड़ेगा जीनस, अभी हम आपको जब पढ़ाएंगे तो उसमें आपको पढ़ाया जाएगा ये सब पूरा का पूरा डिटेल में। ठीक है, अब देखते हैं, सिंपल फिलामेंट हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं हम, आपको बताए थे हेटरोट्राइकस फिलामेंट क्या होता है, हेटरोट्राइकस फिलामेंट किसे कहते हैं। ठीक है, देखते हैं, स्क्रीनशॉट लेना ले लीजिए जी। ठीक है, नीचे दिखा दे रहे हैं, ठीक है, नहीं ऊपर ही दिखा दे रहे हैं जी, ठीक है, सॉरी नहीं आएगा नीचे। ठीक, देखो बात करते हैं हेटरोट्राइकस फिलामेंट। ठीक, क्या होता है हेटरोट्राइकस फिलामेंट, हेटरोट्राइकस फिलामेंट, हेटरोट्राइकस का मतलब क्या होता है, जब दोनों का बना होगा, बोथ मतलब प्रोस्ट्रेट एंड इरेक्ट, जब दोनों का बना होता है तो उसे क्या बोला जाता है, हेटरोट्राइकस फिलामेंट। हेटरो का मतलब क्या होता है, डिफरेंट, आप जानते ही हैं डिफरेंट होता है। ठीक है, देखते हैं डेफिनेशन क्या होगा, द फिलामेंट विच कंसिस्ट ऑफ, क्या लिख सकते हैं, द फिलामेंट विच कंसिस्ट ऑफ बोथ प्रोस्ट्रेट एंड इरेक्ट सिस्टम, एंड इरेक्ट सिस्टम आर कॉल्ड एज हेटरोट्राइकस फिलामेंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हेटरोट्राइकस फिलामेंट बोला जाता है। एग्जाम्पल के रूप में आप लोग देख सकते हैं इक्टोकार्पस, क्या हो जाएगा, इक्टोकार्पस हो जाएगा। ठीक, इक्टोकार्पस कोलियो के स्टीजियो कॉलोनियम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल ग्रुप में देख सकते हैं इक्टोकार्पस, इक्टोकार्पस। ठीक है, कोलियो कीट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कोलियो कीट हो जाएगा। ठीक, और क्या हो जाएगा, स्टीजियो कॉलोनियम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, स्टीजियो क्या हो जाएगा, स्टीजियो कॉलोनियम हो जाएगा। ठीक है, ईटी सी क्या हो जाएगा, ईटी सी, ये सब क्या हो जाएंगे, हेटरोट्राइकस फिलामेंट किसे बोलते हैं, जब फिलामेंट किसका बना होता है, प्रोस्ट्रेट एंड इरेक्ट दोनों सिस्टम का जब बना होता है तब उसे ही क्या बोला जाता है, हेटरोट्राइकस फिलामेंट बोलते हैं। एग्जाम्पल के रूप में इक्टोकार्पस कोलियोकेट स्टीजियो कॉलोनियम हो जाता है, ईटी सी हो जाएगा। ठीक, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं आप लोग को, कॉलोनियल फिलामेंट क्या होते हैं, सॉरी कॉलोनियल थैल्स। कॉलोनियल का मतलब क्या होता है आप लोग को पता है, किसी को, किसी को पता है कमेंट बॉक्स में बोल सकता है जी, एनी बॉयज एनी गर्ल्स, चलो ठीक हम बताते हैं। ठीक, देखो सॉरी कॉलोनियल थैलस, सबसे पहले लिखते हैं ठीक, देखो देखो क्या होता है, द थैलस विच कंसिस्ट ऑफ आइडेंटिकल टाइप ऑफ सेल, क्या होता है, द थैलस लिख सकते हैं, द थैलस विच कंसिस्ट ऑफ आइडेंटिकल टाइप ऑफ सेल, क्या होता है, आइडेंटिकल टाइप ऑफ सेल आर कॉल्ड एज क्या बोलते हैं, कॉलोनियल थैलस बोला जाता है, क्या बोलते हैं, कॉलोनियल थैलस बोलते हैं। ठीक है, ये टू टाइप का होता है, हम आपको बताए हैं टू टाइप का होता है, कौन कौन सा, सीएनोबियम, कॉलोनियल
पामेलॉइड, कौन कौन सा? पहला देखते हैं सिनोबियम, क्या हो जाएगा? सिनोबियम, ठीक, क्या हो जाएगा, सॉरी सिनोबियम, ठीक। सिनोबियम का मतलब क्या होता है? जिसमें क्या होता है, नंबर ऑफ सेल, जिस कॉलोनी में नंबर ऑफ सेल फिक्स होते हैं। जैसे क्या होता है कि एक क्लास में सिर्फ 40 बच्चे रहेंगे, 40 बच्चों का ही एडमिशन होगा, उसके बजाय 41वां बच्चा नहीं आ सकता है क्लास में, ठीक है। तो वैसे यहां भी है, ठीक है। क्या होता है सिनोबियम का मतलब क्या होगा? द नंबर ऑफ सेल आर फिक्स्ड आर कॉल्ड एज सिनोबियम कॉलोनी, ठीक है। डिफिनेशन लिख सकते हैं, द कॉलोनी इन विच, क्या लिखते हैं, द कॉलोनी इन विच नंबर ऑफ सेल, इन विच नंबर ऑफ सेल आर फिक्स्ड, आर फिक्स्ड आर कॉल्ड एज, आर कॉल्ड एज सिनोबियम कॉलोनी बोला जाता है। क्या बोलते हैं? सिनोबियम कॉलोनी, ठीक। यहां पे एक बात ये आती है, जिसमें फ्लैजला प्रेजेंट होगा उसे मोटाइल बोलते हैं, मोटाइल सिनोबियम बोलते हैं, ठीक। जब फ्लैजला प्रेजेंट होगा तो क्या बोलते हैं? मोटाइल सिनोबियम, क्या होता है? मोटाइल सिनोबियम, ठीक। और फ्लैजला एब्सेंट है क्या बोलते हैं? नॉन मोटाइल, नॉन मोटाइल सिनोबियम बोला जाता है, ठीक। ये एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, मोटाइल सिनोबियम किसे कहते हैं? आपको चार ऑप्शन दे दिया जाएगा, उसमें से आपको एक सही करना रहेगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? वॉलवॉक्स, क्या होता है? वॉलवॉक्स क्या होता है? मोटाइल सिनोबियम होते हैं, क्या होते हैं? मोटाइल सिनोबियम किसे बोलते हैं? एग्जाम्पल के रूप में क्या हो जाएगा? वॉलवॉक्स, क्या हो जाएगा? वॉलवॉक्स, ठीक। और नॉन मोटाइल सिनोबियम किसे बोला जाता है? हाइड्रोडिक्टियन को बोलते हैं, किसको बोला जाता है? एग्जाम्पल के रूप में हाइड्रोडिक्टियन को बोला जाता है, किसको बोलते हैं? हाइड्रोडिक्टियन को बोला जाता है, ठीक है। इतना समझ में आ गया? ये था किसके बारे में? सिनोबियम के बारे में। सिनोबियम का मतलब क्या होता है? द नंबर ऑफ सेल आर फिक्स्ड इन ए कॉलोनी आर कॉल्ड एज सिनोबियम कॉलोनियल बोला जाता है, ठीक। अब यहां पे किसी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मोटाइल सिनोबियम की बात आती है तो वॉलवॉक्स, नॉन मोटाइल सिनोबियम की बात आती है तो हाइड्रोडिक्टियन हो जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, पामेलॉइड कॉलोनी, कॉलोनियल थैलस का सेकेंड पार्ट बात करते हैं, पामेलॉइड कॉलोनी। इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, उसमें नंबर ऑफ सेल क्या होते हैं? फिक्स नहीं होते हैं, तो उसे क्या बोला जाता है? पामेलॉइड कॉलोनी बोला जाता है, ठीक है। देखते हैं क्या हो जाएगा, ठीक। देखिए यहां पे पामेलॉइड कॉलोनी क्या होता है, ठीक। ठीक, देखो, द कॉलोनियल थैलस इन विच, क्या होता है? द कॉलोनियल थैलस इन विच नंबर ऑफ सेल आर नॉट फिक्स्ड, क्या होता है? नंबर ऑफ सेल्स आर नॉट फिक्स्ड, आर नॉट फिक्स्ड आर कॉल्ड एज, आर कॉल्ड एज, क्या बोलते हैं? पामेलॉइड कॉलोनी बोला जाए, क्या बोलते हैं? पामेलॉइड कॉलोनी बोला जाता है। एग्जाम्पल के रूप में आप लोग देख सकते हैं टेट्राकॉकस, क्या बोला जाता है? टेट्राकॉकस बोला जाता है, एग्जाम्पल टेट्राकॉकस हो जाएगा, ठीक। क्लेमाइडोमोनास हो जाएगा, एफाइनोथिकिया हो जाएगा, क्या हो जाएगा? क्लेमाइडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास एफाइनोथिकिया हो जाएगा, क्या हो जाएगा? एफाइनोथिकिया हो जाएगा, ईटीसी हो जाता है, एफाइनोथिकिया ईटीसी हो जाएगा, ठीक है। ये बात किसकी की है हम? पामेलॉइड
कॉल होने की बात किए। ठीक, अब हम बात करते हैं कितना आपको पढ़ा दिए हैं, ठीक दो पढ़ा दिए हैं। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं साइफोनेसियस थैलस की। किसकी? साइफोनेसियस थैलस किसे बोला जाता है? ठीक, द थैलस विच इज, आप देख लीजिए आप लोग, दो हो गया, ठीक फिलामेंटस हो गया, कॉलोनियल हो गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप लोग का क्वेश्चन बहुत मस्ट है जी, ठीक है। आप लोग तैयार कर लेंगे तो आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ पे, ठीक है। जितना पढ़ाया जा रहा है उतना आप तैयार करके जाइए एग्जाम में, और आपको पूरा का पूरा सिलेबस मिलेगा एग्जाम में, ठीक है। देखते हैं साइफोनेसियस थैलस, साइफोनेसियस थैलस, ठीक साइफोनेसियस थैलस, ठीक। क्या होता है द थैलस? क्या होता है द थैलस विच इज साइफन लाइक इन अपियरेंस? क्या होता है द थैलस? द थैलस विच इज साइफन, साइफन का मतलब क्या होता है आप लोग जानते हैं? साइफन का मतलब क्या होता है? ट्यूब। क्या होता है? ट्यूब। ट्यूब जानते हैं आप लोग? ये देखिए ट्यूब, ट्यूब देखते हैं आप लोग, पाइप, पाइप देखते हैं ना, ठीक है वही द थैलस विच इज साइफन लाइक, साइफन लाइक आर कॉल्ड एज, आर कॉल्ड एज, क्या बोलते हैं? साइफोनेसियस थैलस बोला जाता है। क्या बोलते हैं? साइफोनेसियस थैलस बोला जाता है। एग्जाम्पल के रूप में आपको हम बता सकते हैं, जैसे बाउचेरिया हो जाएगा, बोट्राइडियम हो जाएगा, क्या हो जाएगा एग्जाम्पल के रूप में? क्या हो जाएगा? वाउचेरिया, वाउचेरिया हो जाएगा, बोट्राइडियम हो जाएगा, क्या हो जाएगा? बोट्राइडियम, ई टी सी हो जाएगा, ठीक। अब आपको दिखा दें फिगर, यहाँ पे आपको फिगर देख लें, उसके बाद आपको क्लियर हो जाएगा पूरा का पूरा टर्म क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं, देखो यहाँ पे आपको दिखा दे रहे हैं, ठीक देखो ये किसका फिगर है? वाउचेरिया का, ठीक ये देख लीजिए आप लोग, ठीक दिख रहा है कि नहीं? ठीक दिख रहा है टोटल स्ट्रक्चर, ठीक ये देखो जो आपको दिख रहा है, ये स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर, ये सब कैसे दिख रहे हैं? ट्यूब लाइक दिख रहे हैं कि नहीं? ट्यूब लाइक, देखो खुख लाइन नुमा स्ट्रक्चर, ठीक है। इसी को ही क्या बोला जाता है? साइफोनेसियस थैलस बोला जाता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं फोलिएसियस की। किसकी? फोलिएसियस थैलस की बात करते हैं। फोलिएसियस का मतलब क्या होता है? फोलिएसियस का मतलब क्या होता है? कितने लोगों को पता है जी? चलो ठीक है हम बताते हैं, ठीक बात आप लोग ध्यान दिया करो जी जो पढ़ाया जा रहा है, ठीक। देखो फोलिएसियस किसे कहते हैं? फोलिएसियस थैलस। फोलिएसियस का मतलब क्या होता है? द थैलस विच इज, क्या होता है? लीफ लाइक इन अपियरेंस, क्या होता है? द थैलस, द थैलस विच इज लीफ लाइक, किसकी तरह? लीफ लाइक इन अपियरेंस, इन अपियरेंस आर कॉल्ड एज, आर कॉल्ड एज, क्या बोला जाएगा? फोलिएसियस थैलस। द थैलस विच इज लीफ लाइक इन अपियरेंस आर कॉल्ड एज फोलिएसियस थैलस बोला जाता है। जैसे क्या होता है, ये देखिए आपको हम स्ट्रक्चर बना के दिखा रहे हैं एग्जाम्पल के रूप में। जैसे क्या हो जाएगा? अलवा, क्या होता है? अलवा बोला जाता है, क्या होता है? अलवा। अलवा को क्या बोला जाता है? सिलेक्टिवस, क्या बोलते हैं? सिलेक्टिवस बोला जाता है, समुद्री सलाद बोलते हैं, क्या बोलते हैं? सिलेक्टिवस। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है जी, ठीक। सिलेक्टिवस किसे कहते हैं? समुद्री सलाद किसे कहा जाता है? अलवा को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? अलवा को बोला जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल लीफ का स्ट्रक्चर कैसे होता है देखिए आप लोग, ठीक सॉरी ये देखिए स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है? ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है कि नहीं?
ये किसका स्ट्रक्चर है? अलवा का। किसका है? अलवा। अलवा का मतलब क्या होता है? सी लैक्टिव, समुद्री सलाद होता है। ठीक है, एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पुटअप हुआ है कि सी लैक्टिव किसे कहा जाता है या अलवा किसे कहते हैं। ठीक है, अब किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है यहां पर भी। ठीक है, मेरे ख्याल से तो कोई डाउट नहीं है। ठीक, और इतना इजी लैंग्वेज है तो आप लोग को डाउट नहीं होना चाहिए जी। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये बीएससी फर्स्ट ईयर का सिलेबस में पढ़ा रहा हूँ, इसलिए बहुत इजी लैंग्वेज दे रहा हूँ जी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं सबसे लास्ट, प्लांट लाइक क्या होता है? प्लांट लाइक, ठीक, सबसे लास्ट फिफ्थ हमारा है, पांचवा पढ़ाने चल रहे हैं। प्लांट लाइक किसे कहते हैं? देखो क्या होता है, द थैलस विच इज, द थैलस विच इज रूट स्टेम एंड लीफ आर प्रेजेंट। क्या होता है? आर प्रेजेंट, रूट स्टेम एंड लीफ लाइक स्ट्रक्चर आर प्रेजेंट। ठीक, बट ट्रूली रूट स्टेम लीफ आर नॉट अपीयरेंस आर कॉल्ड एज प्लांट लाइक बोला जाता है। ठीक, जैसे क्या होता है कि आप लोग मॉल में जाते हैं, शॉपिंग मॉल में कपड़ा खरीदने जाते हैं, तो वहां क्या होता है, एक पुतला बना रहता है, पुतला बना रहता है, उसके ऊपर कपड़ा रहता है। ठीक है, लेकिन वो पुतला क्या होता है, आदमी की तरह तो रहता है पुतला, ठीक, बट आदमी नहीं रहता है, आप लोग देखें। ठीक, वैसे ही क्या होता है, यहाँ पे आपको प्लांट दिखेगा। ठीक है, जैसे क्या होता है, कारा का प्लांट एक होता है, किसका? कारा, CSARA, कारा लिखा गया है, कारा का प्लांट होता है। ठीक है, ये देख लीजिए, हम प्लांट बना दे रहे हैं इसमें। ठीक, ये ठीक, ये आप लोग देख लीजिए। देखिए, आप लोग को कारा का जो प्लांट आपको दिखा रहे हैं, ये आपके सिलेबस में पूरा 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 पढ़ना है जी। ठीक है, आप इससे दूर नहीं भाग सकते हैं। ठीक है, ये आपको पढ़ना पड़ेगा, पूरा का पूरा कारा का चैप्टर है, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, ये हम आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा देंगे जी, आप लोग टेंशन मत लीजिएगा इसके विषय में। ठीक, और कोई दिक्कत कहीं भी पूछ सकते हैं आप लोग। ठीक, देखिए ये आपको दिख रहा है, कारा का प्लांट दिख रहा है। ठीक, ये आपको प्लांट की तरह दिख रहा है, बट अगर ट्रू में देखा जाए, सत्यता देखा जाए, तो ये प्लांट नहीं है, सिर्फ ये क्या हमें दिख रहा है, रूट स्टेम और लीफ लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं। लाइक का मतलब क्या होता है? तरह, इसी की तरह दिख रहे हैं, मतलब प्लांट की तरह दिख रहे हैं, लेकिन वास्तव में क्या होते हैं? प्लांट नहीं होते हैं, वही हम यहाँ पे बता रहे हैं, प्लांट लाइक। लाइक की मतलब क्या होता है? तरह होता है। ठीक है, समझ में आ गया, आप लोग को कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए यहाँ पे। ठीक, डिफिनेशन मैं यहाँ पे आपको यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, द थैलस इन विच, क्या लिख सकते हैं डिफिनेशन, द थैलस इन विच रूट स्टेम एंड लीफ लाइक स्ट्रक्चर आर फॉर्म, स्ट्रक्चर आर फॉर्म, बट दे आर नॉट ट्रू। क्या होता है? दे आर नॉट ट्रू, दे आर नॉट ट्रू रूट स्टेम एंड लीफ। क्या होता है? दे आर नॉट ट्रू रूट स्टेम एंड लीफ आर कॉल्ड एज, क्या बोलेंगे? प्लांट लाइक। क्या बोलते हैं? आर कॉल्ड एज, क्या बोलते हैं? प्लांट लाइक बोला जाता है। एग्जाम्पल के रूप में क्या हो जाएगा? कारा, ये कारा का पूरा स्ट्रक्चर बन गया है। ठीक है, एग्जाम्पल लिख दे रहे हैं हम आपको, क्या हो जाएगा? कारा। ठीक, अब किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ पे। ठीक है, आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद जी, अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक, थैंक यू आप लोगों को।